हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों आज हमारे यहाँ पर वापस एक नए कस्टमर आए, यूपी से हैं। सबसे पहले उनका स्वागत कर लेते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार, कैसे हो। ठीक है। क्या नाम है सर आपका। मेरा नाम रणधीर सिंह है। अच्छा, कहाँ से हैं आप। मैं यूपी बुलंदशहर से हूँ। अच्छा, खुर्जा शहर से। अच्छा, कैसे पता लगा सर आपको कि यहाँ पर कंपनी है। जी, मैंने यूट्यूब पे आपका वीडियो देखा था। अच्छा, तो वीडियो देखने पे मुझे अच्छा लगा। अच्छा, तो मैंने सोचा कि मशीन अच्छी रहेगी हमारे काम के लिए, तो मैं जब आया हूँ। अच्छा, कौन सी मशीन अभी आप लेने आए। ये हाथ से दबाने वाली मशीन है, पानीपुरी वाली। पानीपुरी वाली। अच्छा, तो आपने पानीपुरी बिजनेस करने के बारे में कैसे सोचा। जी, मेरा ऐसा है कि थोड़ा सा मेरा एक्सीडेंट हुआ था। अच्छा। तो उसके बाद से मैं वैसे कोई नौकरी तो कर नहीं सकता था, इसीलिए फिर मैंने सोचा कि कोई अपना ही बिजनेस किया जाए, तो बिजनेस अच्छा रहता है वैसे भी। तो फिलहाल अभी हम हाथ से बना रहे थे, तो उसमें काफ़ी टाइम लगता है वैसे भी। अच्छा। और मैंने इस यूट्यूब को मशीन में देखा है, तो उससे मुझे लग रहा है कि कुछ समय भी कम लगेगा और अच्छी इसमें बचत भी होगी हमें। बिल्कुल। तो अभी आप ये जो बिज़नेस कर रहे हो, उसके अंदर आपको प्रॉफिट मार्जिन कितना है, लागत कितनी आ जाती है, पर डे कितना प्रॉफिट हो जाता है। पर डे मानो के 1000 रुपये तो है ही कम से कम। अच्छा। और जो लागत हमारी आती है वो 800 रुपये करीब की लागत लग जाती है। अच्छा। टोटल 2000 रुपये के आसपास हो जाता है। 2000 रुपये मतलब प्रॉफिट। हाँ, हो जाता है जी। अच्छा, तो घर पे कोई भी आसानी से कर सकते हैं आप। जैसे हाँ, पानीपुरी बना करके सेल करते हैं, ठेला भी इसका लगाते हो। नहीं, ठेला भी लगाते हैं। अच्छा। अभी तो ठेला ही लगा रहे हैं, मगर अच्छा, अभी कोई वैसे बुकिंग वाला हिसाब नहीं है, मगर अच्छा, मशीन ले जाने के बाद उम्मीद है कि जो कोई ऑर्डर भी आएगा तो वो भी आपका। तो आप अपनी तरफ से कुछ कहना चाहेंगे हमारे ऑडियंस को, जो ये वीडियो देख रहे हैं या जो बिजनेस में आना चाहते हैं, जो घर बैठे मतलब सोच रहे हैं कि हम करें तो सही लेकिन कोई डिसीजन नहीं ले पाता है, तो उनके लिए आप क्या बोलना चाहोगे। मेरा तो बोलना यही है कि जो आदमी थोड़ा सा मेहनत करे, और जो जैसे कि मशीन भी है और हाथ से भी हमने किया है पहले, तो जैसे कि जैसे जैसे आदमी को समय आए उस हिसाब से मेहनत करना चाहिए, तो उसमें अच्छा रहता है। कितना टाइम हो गया आपको ये बिजनेस करते हुए। तकरीबन 3 साल करीब हो गए मुझे। अच्छा, 3 साल लगभग हो गए। मतलब आपने बिजनेस में आने के बारे में कैसे सोचा। सोचा इसीलिए क्योंकि आपके जैसे हमारे कहीं कस्टमर है, वो सोच रहे होंगे कि हम बिजनेस तो करें, लेकिन पहले उनको लग रहा होगा कि नौकरी कर रहे हैं, नौकरी छोड़ करके अगर वो करेंगे तो कहीं हम नहीं। जी देखो, ऐसा है कि आदमी खुद मेहनत करे, कोई भी बिजनेस हो, ये नहीं कि गोलगप्पे वाला हो या कोई और भी बिजनेस हो, मगर मेहनत आदमी सही से करे तो सब कुछ हो जाता है। अच्छा, तो आप तो ऐसे 3 साल का आपका एक्सपीरियंस है, तो बिजनेस करना अच्छा होता है। अच्छा होता है जी, नौकरी तो नौकरी होती है। बिल्कुल सही है। आज का भी ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आओगा। अगर आपके मन में कोई भी सवाल हो, कोई भी डाउट हो, क्लियर करना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। डिस्प्ले पे हमारे कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए, आप कॉल करके अधिक से अधिक जानकारी ले सकते हो। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।